दाऊद इब्राहिम जी हाँ दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। है। है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी की पूरी मीडिया में हलचल मच गई तो मुमकिन है इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है समथिंग जॉब उसको स्लो पॉइजन जो है हो, या फिर हो, ये सबके सब जितने भी ऐसे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं कोई वीडियो लगा सकते हैं कुछ लिख कर लगा सकते हैं कुछ लिख सकते हैं कोई ट्वीट कर सकते हैं वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं दाउद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है। आप लोग जानते हैं कि करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे ये की तरफ रवाना हो गए लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फिलहाल जगह पे वो बंदा एक मारा गया। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैसे मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है यही तो बात है ना हम जितने के रखे हुए पाकिस्तान में हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं अब भारत से बातचीत की जा रही है भारत से करेंगे, तब ही हम बात करेंगे बंदे के ऊपर यू एन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टिक्सटी सेवन इट मीन इज ए ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसको उन्होंने किया ठीक है क्या भारत है घुसके मारेगा पाकिस्तान खुद के लोगों पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के खुद के फौजी मरवा रहा है खुद के लोग मरवा रहा है पाकिस्तान मॉनबल डॉन दुनिया का सबसे बड़ा डॉन खुद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया बात हम करेंगे पाकिस्तान की और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करके टारगेट किलिंग में मुख्तफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे बल्कि मारे जा रहे हैं हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैसे मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है और लोगों ने यह भी देखा कि हाफिज सईद को भी थर्टी वन के लिए जेल की सजा हुई लेकिन यह और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है मगर बहरहाल थर्टी वन की जेल की

अब भारत से बातचीत की जा रही है भारत से बात करने की बात की जा रही है भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहां से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे तो फिर क्या होगा इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम जी हाँ दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है उसकी हालत काफी खराब है उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कहां तक ठीक है मालूम मालू नहीं लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शाम आ जाएगी लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो ये सब के सब जितने भी ऐसे ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं कोई वीडियो लगा सकते हैं कुछ लिख कर लगा सकते हैं कुछ लिख सकते हैं कोई ट्वीट कर सकते हैं वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं जी हाँ सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल इस वक्त काम कर रहे हैं अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है यकीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया केबल अक्सर हमारे यहाँ समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी मुझे नहीं मालूम मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी क्या वीपीएन काम करेगा मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज़ वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में अच्छा ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा डिक डीप इन टू वट ये क्या चीज़ है अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ ट्रू आई डोंट नो द रियालिटी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई ख़बर नहीं है किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है नो बड़ी स्टोरी ऑन दिस इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर आप उधर जाए तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था दिस एंड दैट और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं बट कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है सॉरी कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डा में कराची में लाहौर में इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इज़ टोल्ड उनको बताया जाता है थ्रू सर्टन पीपल अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्या है क्या नहीं है इस पर जरूर बात करेंगे लेकिन जस्ट वॉन्टेड ये एक क्वेश्चन है ये क्वेरी है आई रियली वो नो दिस क्वेरी कि पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं है इंडियन मीडिया का को कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है ठीक है जनाब लेकिन इंडिया में खबर पहुँच जाएगी कि जनाब फिलहाल जगह पे वो बंदा एक मारा गया कई दफ़ा ऐसे होता है के कुछ छोटी मोटी खबर वो आती है कि जो डस्के में बंदे मारे गए एंड लेटर ऑन इट इज रिवील्ड बट सम ऑफ द इंडियन जो मीडिया के लोग हैं दे सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे सेम इज दाऊद इब्राहिम का जो हुआ है और uh, अब क्योंकि इनका इसका रेफरेंस पाकिस्तान से है जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम क्या आपको दिख रहा है कि नोन का काम है पाकिस्तान का नाम है किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी उसमें बोलता है ना ये नया भारत है घुस के मारेगा तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग और ऐसा भी नहीं है देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है ठीक है ना तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हैं जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते वो चाहते वो हैं पाकिस्तान पाकिस्तान साजिश है या ये के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है क्या ये उसी में से एक कत्ल है इस इसमें हम बाद में आते हैं दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है लेकिन ये खबरें जो कि दो दिन से चल रही हैं, पहले दो दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और हस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे आजाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर आ, कल रात को एक बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है यानी वो मर चुका है को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है आ, लेकिन वो हर बार बचा इंडियन इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है लेकिन इस बार ये काम हुआ है बहुत सारे और लोग जो कि इंडिया में वांटेड थे वो पहले मारे जा चुके हैं इस साल अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तेरह से ज्यादा लोग मारे जा चुके जो कि इंडिया वांटेड थे उसकी ये ये तेरह नंबर में अभी कंफर्म करूंगा मैं रिबाह से बात करूंगा रिबाह एंटी इंडिया लोग एंट पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है कहती हैं लेकिन सर अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं टेररिज्म की है तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या बस ये इंसान है नहीं की फैमिली है यही तो बात है ना हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम आगे कुछ तो ख्याल की तो सर आप कि नहीं हम मतलब हम उन्हें सजा सजा दे रहे। सजा दे रहे रहे हैं हैं सर क्या अगर उनके पे तो टैक्स हुए के ऊपर यूएन एन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इज ग्लोबली डेजिगनेटेड टेररिस्ट उसको उन्होंने किया ठीक है मैं इस पर एक दफा नहीं तो सौ दफा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया में कर चुके पाकिस्तान खुद के लोगों पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के खुद के फौजी मरवा रहा है खुद के लोग मरवा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों अपने लोग मरवा रहा है दोस्तों ये भी आपको समझाता चलूं पाकिस्तान इसलिए अपने बंदे मरवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को एक माहौल बनाना है पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को निकाल के सब कुछ करके क्योंकि जब आप ड्रोन बेसिस देंगे अमेरिका को तो आपको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना यार इमरान खान ने तो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया कि नहीं अमेरिका को ड्रोन बेस नहीं देंगे ड्रोन बेस नहीं देंगे ये बावले हैं पच्चीस करोड़ ये भी नाचने लगे सड़क पे कि कुछ नहीं देंगे पाकिस्तान पाकिस्तानी कुछ नहीं देंगे अमेरिका को कुछ नहीं देंगे हम खुद मुख्तार हैं बाऊर हैं बा फलाना बाढिमका पता नहीं कौन कौन से अरबी शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे बावले हो गए लोग अब अगर आपको ड्रोन बेसिस अमेरिका को देने हैं तो आपको कोई ना कोई तो चूरन खिलाना पड़ेगा यानी कि लाहौरी चूरन आपको एक लाहौरी चूरन खिलाना पड़ेगा लोगों को चूरन है क्या चूरन ये है कि पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दाना हो रही हैं सारी की सारी अफगानिस्तान करवा रहा है जो कल तक इनका मुसलमान भाई था जो कल इनका इस्लामी बिरादर मुल्क था जो कल इनका पांचवा सूबा था जो कल बहुत कुछ था इनका बहुत कुछ था इनका वो अचानक इनका दुश्मन बन गया चले ये बात तो अपनी जगह पर के जैसा हमने पहले भी कई मत की पर बात की कि भाई ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस घुस के जो है वो मारा जा रहा है और कभी ये कहा गया कि ये राकी साजिश है ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो है उनके गुमाशते उनके लोग जो है उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशत गर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो है उसके जो मास्टर माइंड कहा जाता है जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है दाऊद इब्राहिम का असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीजों में लिया जाता है और यह भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर दहशतगर्द है डिक्लेयर टेररिस्ट है वो और उसके ऊपर मेरा ख्याल है क्योंकि ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर्स का

जिंदगी गुजारे कहा नहीं जाता ये तो जब एपटाबाद कमीशन रिपोर्ट है सब कुछ सामने आया उसमें और फिर जो आ, किताब हमने उसके ऊपर भी बात की आ, तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर जो के आ, जो जनरल शुजा बादशाह थे उनके भाई जो है उन्होंने जो वो किताब लिखी उसके अंदर ही पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने आ, वो पैसे लिए